हाँ तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 12,401 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 76 तथा शेष 13 बचता है। तो इसमें संख्या क्या दी है, 12,401। इसमें पूछ रहा है किससे भाग देने पर भागफल कितना बचता है, 76, और रिमाइंडर कितना बचता है, 13। इसका पूछने का तात्पर्य ही है। अब हमें पता क्या करना है ये, लेकिन ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है इसको हम भागफल बना लेते हैं, मतलब भाग देने वाली संख्या इसको बना लेते हैं। ये 76 है, अब इस संख्या को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, शुरू में जाए एक पर एक से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, 76। 14 में से 6 गए 8, और 11 में से 7 गए 4, उतार लिए कितना, 0 हमने नीचे उतार ली। अब ये कितने पे डिवाइड होगा, 6 पे, 6 6 36, 3 कैरी, 6 42 और 3 45। 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, बच गया कितना, एक, एक नीचे उतार लिया। अब किससे हम करेंगे, 3 पे, 3 पे हम डिवाइड करेंगे तो इसका 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 2, ये 22 आ गया। अब 11 में से 8 गया कितना बच गया, 3, और 3 में से 2 गया 1, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 13। तो हम इसको उल्टा करेंगे तो 12,401 को 163 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा भागफल कितना आता है, 76। तो डिवाइड किससे किया हमने, इससे डिवाइड किया, हमारा आंसर क्या आ गया, 163। 163 ऑप्शन सी में है, तो जो भी ऑप्शन सी के साथ बच्चे जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं का वर्गों का अंतर ज्ञात करें। दो धनात्मक वर्गों का योग x प्लस वाई का योग कितना है, 80 है, उनका अंतर 20 है, तो x माइनस वाई हो जाएगा, उनका अंतर है 20, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। वर्ग वर्ग क्या होंगे इनके, एक्स स्क्वेयर, अंतर ज्ञात करना है तो माइनस वाई स्क्वेयर, ये पता करना है। इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या थी हमारी, वो थी एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमारा कितना देर क्या है, 80, और एक्स माइनस वाई हमारा कितना है, 20। सॉरी, अब एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 80 की 20 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16 00, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना था, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हमारा 1600 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम संख्या कौन सी होती हैं जो दो से डिवाइड होती हैं, तो पहली सम संख्या क्या होगी हमारी, पहली सम संख्या होगी 2। प्रथम 20 संख्या है तो 20वीं संख्या हमारी क्या होगी, 20 गुणा 2 हो जाएगी, 40 हमारी 20वीं संख्या हो जाएगी। अब इसका हमारा एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इंटू, मतलब जितनी टोटल टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय 2। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारी, 40, यही था, इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, ये जो 20 दे रखी है ये हमारा सम है, मतलब 20 संख्याओं का सम है ना, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 20 डिवाइड बाय 2, ये 2 से 10 पे कट गया, 40 और 2 कितने हो गए, 42। ये देखो अगर ब्रैकेट नहीं होता तो ये सवाल हमारा गलत हो जाता। अब हम क्या करेंगे, 42 इंटू में 10, आंसर कितना आ गया इसका, 420 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 420 हमारा क्या है, ऑप्शन डी, जो भी ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 100 विषम संख्या है हमारी, पहली विषम संख्या क्या है, 1, अभी इसके बीच में एक एक का गैप होता जाएगा, तो 100 विषम संख्या हमारी कितनी होगी, 199, लास्ट हमारी क्या आएगी, 199।
199 हो जाएगा, समझ आ रहा है सबको? अब क्या है ये 199 है, ये हमारी लास्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म हमारी होगी 1। तो अब क्या करेंगे, इनका सम निकालना है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 1 प्लस 199 इंटू में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 100 अपॉन में 2, ये कितना हो गया 200 इंटू में 100 अपॉन में 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 100 इंटू 100 ये क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया हमारा 10,000। 10,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये पहले ही सोल्व हो रखा है, चलो कोई बात नहीं, इसको अपनी क्लास में तो नहीं हुआ, ये वैसे कभी किया होगा, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, दो संख्याओं का योग कितना होगा, x प्लस वाई कितना बताया इसने 37, अब उनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब एक्स स्क्वेयर, अंतर पूछा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 185, समझ आ रहा है? तो अब इसके अंतर बता दिया, अब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी बताई थी, ये आइडेंटिटी बताई थी, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है 185 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इसने दे दिया 37 इंटू में एक्स माइनस वाई, तो यह हो गया 185, ये 37 है इसके आगे क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, ये इसके अपॉन में हो गया इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब 185 को 37 से भाग देंगे, ये 5 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा, 5 से 35 कैरी 3, 5 से 15 और 3 18, आंसर क्या आ गया 0, ये कैरी थी तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 5, समझ आ रहा है? इसका अंतर पता करना है, x माइनस वाई होगा अंतर, तो अंतर इसका कितना आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी संख्या से 7 कम हो जाता है, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी संख्या का 7 कम हो जाता है, ठीक है, समझ आया, इक्वेशन बराबर है दोनों की। अब ये क्या है, ये एक्स है, वह अपनी तीन गुणी संख्या का बोल रहा है, तीन गुणी संख्या का, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x इस एक्स एक्स को इकट्ठा कर लो और संख्या बच गई इसको एक साइड कर लो, ये 3x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 21, ये माइनस है, ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 28, x इज इक्वल टू 28 बाय, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू इधर आगे, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया 14, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14, 14 आंसर है, हाँ ऑप्शन ऑप्शन में दिखाई दे रहा 14, 14 किस में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग पता करना है, ठीक है, 60 और 80 के बीच में कौन कौन सी होती हैं, पहली होगी हमारी होगी 61, फिर हमारी होगी 67, 71, 73,
73 और शायद 79, 4, 5, हाँ यही होती हैं। एक मिनट, फोन आ रहा। हेलो। ठीक है तो हमारा ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसकी संख्याओं का योग पता करना है, तो हम इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 61, 67, 71, 73 और 79। 9 और 3 12, और 1 13, 14 और 7 21 का एक करी, 2 7 7 14 7 21, 21 और 2 22 23, 23 6 29, 29 और 6 35। 351 इसका क्या आ गया, बिल्कुल सही उत्तर आ गया, 351। ऑप्शन सी जो भी दे रहा है बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का योग 46 है, उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी इसके पहले ही क्वेश्चन में, इस चैप्टर के पहले ही क्वेश्चन में हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, बड़ी संख्या का क्या होगा, जो अंतर दे रखा है और जो योग दे रखा है वो दोनों जुड़ जाएंगे, 46 और 14, और 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब इनका जोड़ कितना आ गया, 4 से 0 1, 4 1 5 और 1 6 बटे 2, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। इसका आंसर क्या आएगा, 30 आंसर। इसका बड़ी संख्या क्या आएगी, 30। इसका क्या आ गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। अगर इसमें छोटी संख्या निकालनी होती तो हम क्या कर देते, छोटी संख्या निकालनी है तो इसमें से 14 घटा देते और बटे में 2 कर देते, जो भी आता हमारी छोटी संख्या हो जाती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चार लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चार लगातार विषम संख्याओं का योग है तो इसमें क्या करेंगे हम, x+x+2+x+4+x+6, ये हमारी चार लगातार विषम संख्याएं हो जाएंगी। इनका योग कितना है, 328 है। अब क्या करेंगे, x x वालों को जोड़ लेंगे, 2x, 3x, 4x, ये हो गया हमारा 4x। अब डिजिट को जोड़ लेंगे, 4 2 6 6 12 +12 = 328, ये 4x इधर रुक जाएगा, 328 में से 12 घटा देंगे। अब क्या होगा, 4x = 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 316। x = 316 बटे में 4, 4 से 28, 4 से 28 बच गया 3, 36, 4 निम 36, तो हमारा क्या आ गया, x 79 आ गया। पता क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्या है हमारी, x+6, तो x+6 हमारी बड़ी संख्या है, ये पता करनी है। x हमारा आ गया 79, 79+6 क्या आ गया हमारा, 79+6 85 हमारा क्या आ गया आंसर। समझ में आया, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक हम समझाएंगे इधर। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, इसका योग दे रखा है 328, 328 कितनी संख्याओं का है, 4 का, तो हमें बीच वाली संख्या निकालनी है। बीच वाली संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 328 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 से 8 पर गया और 4 दुनी
32 चार दुनी 8, ठीक है, ये आ गया 82। 82 क्या आ गया हमारे, बीच वाली संख्या आ गई। ये कितने नंबर थे, 4, 2, 3, 4। तो हमारी बीच वाली संख्या क्या आ गई, ये बीच वाली संख्या है, ये क्या आ गई हमारी 82 आ गई। बीच वाली 82 है तो हमें पता कौन सी करनी है, फोर्थ। तो हमारी तीसरे वाली क्या आएगी, 83 आएगी, क्योंकि 82 है, बीच में गैप हो गया एक का। और ये कितनी आ गई हमारी सेकंड वाली, 81। ये 83 है तो ये कितनी होगी, बीच में एक संख्या का गैप हो रहा है, विषम संख्या है। अगर हम 84 लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या निकालनी है तो नेक्स्ट विषम संख्या चौथी क्या हो जाएगी हमारी, 85 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। और ये वाली हो जाएगी हमारी 79। बड़ा इजी मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। कितने उम्मीदवार थे, 5 उम्मीदवार थे, और 5 जो अंक, 5ों ने जो अंक लिए हैं ना, उनका कुल योग है 185। ठीक है, 5 अंकों का कुल योग है 185। अब 185 है, कितने उम्मीदवार थे, 5। 5, 185 में 5 उम्मीदवार थे, तो 5 से हम अगर इसको डिवाइड करेंगे। इसने क्या बोला है कि परीक्षा में 5 उम्मीदवार प्राप्त लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, मतलब लगातार 5 हैं, विषम पूर्णांक हैं। तो अब हम लगातार 5 निकालेंगे तो उसमें हम बीच वाला नंबर निकाल सकते हैं, 5 थे तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 थे 15, 5 थे 35, 3 बचेगा, 5 थे 35। अब हम कितने उम्मीदवार थे, 5, 2, 3, 4, ये जो 37 आए हैं ये कौन से उम्मीदवार के नंबर आए हैं, तीसरे उम्मीदवार के, बीच वाले के। अब हमने पूछना कितना, तो अधिकतम अंक प्राप्त कितने किए, अधिकतम अंक बताना है, तो अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए होंगे, इसने किए होंगे। ये 37 है तो इसका क्या हो जाएगा, लगातार विषम, विषम मतलब बीच में एक 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 नंबर छोड़ के आ रहा है, बीच में एक सम नंबर छूट रहा है। तो अब ये 37 है तो 38 हमारा छूट गया। अब ये कितने हो गया, फोर्थ को कितने आए 39, और फिफ्थ को कितने आए 39 प्लस 2 41। तो हमें बताना कितने का है, फिफ्थ का बताना है, 41 हमें किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ आया, ये हमारा अगला क्वेश्चन। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स -31 हो जाएगा, बड़ी है, अगर उसको कम कर देंगे तो सामने वाले के बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को कम करते हैं तो राइट हैंड साइड वाले के बराबर हो जाएगा, 75 से छोटी है। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 75 माइनस 75 माइनस एक्स, यही बताया उसने। अगर यह 31, कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो मतलब 75 से छोटी है तो 75 माइनस एक्स कर दिया। अब इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए, राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 31 उसको घटा देंगे तो दोनों साइड हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल इक्वल होगी। अब हम क्या करते हैं, प्लस प्लस वालों को इकट्ठा कर ले, नहीं, एक्स एक्स को इकट्ठा कर लेते हैं और संख्या संख्या को इकट्ठा कर लेते हैं। ये एक्स है प्लस, ये माइनस है, ये साइड आके प्लस का एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 75 है, ये प्लस का 31 हो जाएगा। समझ आ रही है, ये एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 75 में 31 जुड़ेगा, 5 और 1 6 7 और 3 10, 106 आ गया। x इज इक्वल टू 106/2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये हमारा x क्या आ गया, 53। 53 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, 53 कहीं दिखाई दे रहा है, डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। x का ही पता करना है, वह संख्या पता करनी है, वह संख्या हमारी क्या आ गई, 53। मतलब 53 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से कम है। समझ आया, एक्स हमने निकाल ली, ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा, अब हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग पता करना है तो उसका सूत्र हमारा क्या लगेगा, n इंटू n प्लस 1/2।
समझ आया? इसको हम करके भी देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती हैं जो हमारी एक से शुरू होती है? ये हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। मान के चलो हमें इन्हीं का योग पता करना है, तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या होगी? 5। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कितनी संख्याएं हैं टोटल नंबर, ठीक है? ये हमारी होगी 5, एन का मतलब 5। इसके अंदर इसको सिंपल जोड़ के देखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसका कितना आ गया, 5 4 9 3 12, 9 3 12 2 14 1, इसका सम कितना आ गया, 15। अब इसमें इसको रख के देखते हैं टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 × में 5 + 1 / 2, 5 × में 5 + 1 कितना हो गया, 6 / 2, 2 3 6 5 3 15, समझ आया? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा होगा करेक्ट, ठीक है। आज के लिए, आज के हमारे सेशन के जो पार्ट 1 है नंबर सिस्टम का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही सवाल है, नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ये हमारी शुरुआत थी, तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। अगर हमारे जो भी हम सेशन करवाते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, अगर उसके हमें PDF चाहिए, तो हमारा प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप है, ये हमारा प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है। इस ऐप में क्या करेंगे, हम प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें स्पॉन्सर आईडी चाहिए होती है। वो स्पॉन्सर आईडी क्या होगी, एक चाणक्य इसकी स्पॉन्सर आईडी होगी। इस स्पॉन्सर आईडी को हम उसके अंदर भर देंगे। ये भरते ही जो हमारा इंटरफेस खुलेगा ऐप के अंदर, वो ऐप हमारा ये होगा। हम जिस चीज़ की भी तैयारी करना चाहते हैं, CTET, SSC, HSSC, अग्निवीर जी, DMTS, जिस चीज़ की भी तैयारी करना चाहते हैं, हर चीज़ का PDF, हर चीज़ के नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। हम प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके उनके PDF नोट्स हम ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।